बाड़मेर जिले के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र की चारदीवारी बनने से साजुयाली साबरा रूपजी राजाबेरी का रास्ता बंद हो गया। इसे लेकर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और इसके बाद मंगलवार को उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में कार्यालय में ग्रामीणों और एचपीसीएल अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रशासनिक अधिकारी ने वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर गुलाब सागर से साजुयाली कठवाड़ा और साबरा में सड़क मार्ग का आदेश दिया और इसी के साथ तय किया गया कि पानी के स्रोत कुम्हरिया तालाब और सरला नाडा तालाब को एचपीसीएल की ओर से बनाया जाए। इस पानी का उपयोग ग्रामीण भी कर सकते हैं। इस मीटिंग में साजुयाली के पूर्व सरपंच बाबूराम डौकिया, साबरा सरपंच एचपीसीएल के बाला साहब सहित कई लोग उपस्थित रहे। साबरा गांव और साजुयाली पदम सिंह, इन गांव से जो हाईवे की कनेक्टिविटी थी वो रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि रिफाइनरी क्षेत्र से होकर के निकल रहे थे और रिफाइनरी के टाउन से होकर निकल रहे थे। अभी तक तो ये रास्ते चालू हैं, बंद नहीं किया गया, लेकिन रिफाइनरी में चूँकि अब मेन खाके स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो जो रास्ता रिफाइनरी के अंदर से होकर के जा रहा था उसको रिफाइनरी वाले बंद करना चाहेंगे क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एरिया तक आता है, उनको बंद भी करना पड़ेगा। बहुत सारा लॉट ऑफ मूवमेंट्स लोगों का व्हीकल्स का रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसको बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वैकल्पिक की व्यवस्था ये की गई थी कि साजरी पदम से रिफाइनरी के बाहर से एक अल्टरनेट रोड है, उसको रिफाइनरी वालों ने रेडी करवा दिया है। तो हाईवे से कच हो गया, दूसरा कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर से अभी कुछ निर्माण कार्य उनका रोड है नहीं वहाँ पे मौके पर। तो अभी रिफाइनरी के प्रतिनिधि और स्थानीय जो लोग थे इनको बुला करके एक मीटिंग और समझस का प्रयास किया गया था। साबरा पंचायत में बहुत ही समस्या है रिफाइनरी बनने के बाद में, एक तो आम रस्ते हैं वो रुक रहे हैं, दूसरा एक पानी का स्रोत था कुम्हरिया तालाब वो रुक रहा है। अभी मीटिंग में ये तय हुआ है कि एक जो दीवार है ना अपने आवासीय कॉलोनी की, उसके साथ साथ में एक ग्रेवल रोड बनाएंगे फिलहाल, जिससे आवागमन रुके नहीं, और दूसरा जो तालाब जो साबरा है और एक सरला नड्डा है।